हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बनने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा, काफी प्यारा आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक्चुअली ये एप्लीकेशन करेगी क्या, अब देखिए दोस्तों, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप का यूज हम ज्यादा करते हैं। यह एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप भी वर्तमान समय में व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो। अभी कहोगे मजाक कर रहे हो यार, व्हाट्सएप तो हम सभी चलाते हैं, तो चला जाए। तो देख लीजिए इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली, और पूरा देख के जाना है इस वीडियो को, सब कुछ समझ के जाना है, अधूरी जानकारी न लेकर जाए, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि किसने क्या क्या भेज दिया। ग्रुप्स में आ गए, बहुत सारे इमेज आ गए, इसके चक्कर में हम उन्हें जो हमारा व्हाट्सएप है स्लो चलने लग जाता है, और हम सारी की सारी जो एक साथ कट कर देते हैं, हिस्ट्री को एक साथ कट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या है कि एक एप्लीकेशन ऐसा बन चुका है जिसके अंदर क्या होगा कि आपका जो सारा का सारा काम है ऑटोमेटिक रहेगा। मेरा मतलब कि जो जिस आदमी ने मतलब जो भी आपके व्हाट्सएप का डेटा कलेक्टेड है, जो सारा डेटा है वो एक अलग एप्लीकेशन में रहेगा। मतलब इमेजेस व्हाट्सएप से कौन कौन सी आई, इमेज म्यूजिक कौन कौन सा आया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आए व्हाट्सएप के अंदर से, सिर्फ व्हाट्सएप का डेटा रहेगा उसमें, अदरवाइज नहीं रहेगा। ग्रुप से कौन कौन से मैसेजेस आए, और इसी के साथ दोस्तों इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, कोई स्टेटस है मान लीजिए आपका अच्छा लगा है तो वो स्टेटस भी आप जो आसानी से देख सकते हैं, मतलब उस स्टेटस को आप सेव कर सकते हैं इसके अंदर। इसके लिए आजकल क्या करते हैं कि हम अलग से स्टेटस डाउनलोडर वगैरह के जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, जो काफी अलग से हमारे लिए जो है कॉस्टली हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, इसी के अंदर वो सिस्टम भी दिया हुआ आएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों क्या होगा कि इसके अंदर प्रत्येक चीज आपके लिए अलग से सेव रहेगी, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से अपने मन मुताबिक चाहे वो चीज छाट करके डिलीट कर सकते हो, आसानी से मिक्सअप नहीं होगा। मतलब अलग अलग, मतलब कितने रिकॉर्ड्स हमने भेजे, रिकॉर्ड करके कितने वॉइसेज हमने भेजी, सेंड हमें कितनी की गई, इमेजें कितनी कितनी व्हाट्सएप से आई, कहाँ कहाँ से आई है, कौन कौन सा डेटा किस तरह से कलेक्टेड है, और क्या क्या सिस्टम इसके अंदर, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। और उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर स्टिकर तक, यहाँ तक एक स्टिकर तक भी जो है इसमें ऑलरेडी रहेगा। तो इसके लिए इस एप्लीकेशन में एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा है, किसी प्रकार का आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वही कर लीजिए पूरा काम, जल्दी से कर दीजिए आप हमारे चैनल न्यूडेक जी को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है ओल ड्राइवर्स। रुक जाओ, अभी आपको जाना नहीं है, सब कुछ जानकर जाइए। तो आपको सिंपली जो है क्या है, प्ले स्टोर में जाना है, ओल्ड ड्राइवर्स पर जो है इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कर लोगे आप इस एप्लीकेशन को, उसके बाद पता है क्या होगा, क्या होगा उसके बाद एक्चुअली होगा क्या कि इसके अंदर जो भी है आपको कुछ परमिशन मांगेगा गैलरी वगैरह की, वो परमिशन आपको इसको दे देनी है। उसके बाद में क्या होगा कि डायरेक्टली जो है आपके सारे मैसेज स्क्रीन पर आ जाए, जिस तरह से आप अभी मेरे साइड में स्क्रीन देख रहे हैं उसमें अच्छी तरह से आप देख लीजिए और जान लीजिए किस तरह से आ रहे हैं। तो इस तरह से आसानी से जो है आ जाएंगे, उसके अंदर कुछ नहीं करना। साइड में थ्री जो डॉट्स तो नहीं है, लाइंस है, उस लाइंस पर जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर म्यूजिक की कैटेगरी आ जाएगी, म्यूजिक आ जाएगा, जितने कौन कौन से म्यूजिक सेंड हुए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कितनी सेंड हुई, इमेजेस कितने हैं, वीडियोस कितने हैं, कहां से क्या क्या डाउनलोड हुआ, स्टेटस कैसे डाउनलोड है, कौन कौन से स्टेटस आपने डाउनलोड किए, कितने सेव किए, कितने लगाए, कौन से लगाए, कब, जो इमेजेस डिलीट हो जाती थी वो भी उसमें सेव रहेगी। मतलब ये इमेज यहाँ पर थी, ये वाली उसको भेजी थी, इसको भेजी थी, मतलब सारा डेटा कलेक्टेड रहेगा आपके पास, और इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा आपकी डेटा सेविंग के लिए। और बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिससे आप जो है यूज कर सकते हैं अपने जो है मोबाइल के अंदर, और बहुत ही शानदार अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी, तो दोस्तों मैं संग्राम से मुलाकात करता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।